धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के सिमला बहाल दो नंबर भूली क्वार्टर मोड़ के समीप दो लोगों की जान यमराज रूपी हाइवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों की माने तो हाइवा झरिया थाना अंतर्गत दो नंबर भूली क्वार्टर निवासी शोभा देवी अपने पुत्र संदीप कुमार सिंह के साथ मोटरसाइकिल संख्या JH10AV1130 से लगभग 11 बजे वेलोर जाने के लिए घर से धनबाद स्टेशन के लिए घर से निकले थे। इस दौरान वो जैसे ही घर से निकलकर भूली क्वार्टर मोड़ पहुंचे, अचानक तेज रफ्तार से हाइवा की चपेट में आ गए और मोटरसाइकिल समेत माँ और पुत्र दोनों नीचे गिर गए। घटना के बाद शोभा देवी काफी डरी सहमी हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और उक्त हाइवा संख्या JH16A2831 को पीछा कर पकड़ लिया और खलासी की जमकर धुनाई कर दी। साथ ही हाइवा में भी तोड़फोड़ किया। देखते ही देखते स्थिति अनियंत्रित होने लगी, जिसके बाद किसी ने घटना की सूचना झरिया थाना को दी। झरिया थाना के अधिकारी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह समझा बुझा कर मामला को शांत कराया और साथ ही हाइवा को जब्त कर अपने साथ झरिया थाना ले आई। इस दौरान झरिया थाना के अधिकारियों ने दो और हाइवा को पकड़ा जो नो एंट्री में घुसे हुए थे, जिसका नंबर JH09AM7318 है और JH01AE9894 है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन ऐसी घटना पुलिस की लापरवाही से ही घटती है। इसको बहुत मार गया सर, मार सबसे थोड़े होगा सर। सब चीज कैंसिल हो जाएगा सर। वो दोनों गाड़ी अभी हुआ था तो उधर से मोटरसाइकिल मेरे मोहल्ले का ही थे, माँ बेटा जा रहे थे एक बगल पर इतनी स्पीड से गाड़ी, जबकि यहाँ पे कागज बन चुका है कि 9 बजे तक गाड़ी नो एंट्री लगा हुआ, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसके बाद 8:30 बजे हाइवा वाला घुसा करके इस तरह का और फुल स्पीड में जबकि कर दिया गया ब्रो कही, जिसमें से 3 लोग हमारे बच गए बाल बाल के। इसमें प्रशासन के साथ साथ और सबसे बड़ा प्रशासन का भी है लापरवाही, जबकि बात हो जबकि ये बात कुछ नहीं कर रहा प्रशासन, जबकि ये बात था कि मो चौक पे उनके पेट्रोलिंग पार्टी ट्रैफिक रहेंगे और वो अभी तक एक भी दिन नहीं रहा गया।